एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम अभियान के अंतर्गत कुम्हारी के विभिन्न वार्डों में जिसमें 14-15 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तथा वार्ड 10 शंकर नगर होते हुए वार्ड 9 में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने अन्न दान का संग्रहण किया। बीते 38 वर्षों से जारी ये अभियान मध्य भारत का सबसे बड़ा भव्य सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन बन चुका है। ये जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कुम्हारी नगर भ्रमण करते समय बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ इस समिति की नींव रखी गई थी, वो आज पूर्णता की ओर अग्रसर है। इस अभियान के तहत हर घर से महाप्रसाद के लिए अन्न संग्रहण किया जा रहा है। अब तक 98 क्विंटल अन्न का संग्रहण किया जा चुका है। श्री राम नवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री राम नवमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में 1150 से अधिक मठ मंदिरों की लघु शोभा यात्रा भाग ले रही है। एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम अभियान के अंतर्गत कुम्हारी के विभिन्न वार्ड क्रमांक 14-15 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तथा वार्ड 10 शंकर नगर होते हुए वार्ड 9 में भी अन्न दान का संग्रहण किया गया। द्वारा आयोजित इस 38वें रामनवमी के महोत्सव में हम सब राम जन्मोत्सव समिति के कार्यकर्ता पूरे जो हमारे 11 प्रखंड है उनमें एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम अभियान के तहत घर घर जाकर के दान ले रहे हैं। अब तक लगभग 92 क्विंटल से ज़्यादा हमारे पास जो चावल है वो इकट्ठा हुआ है और 1.25 लाख से अधिक घरों तक हम पहुंच पाए हैं। ये अभियान हमारा 16 मार्च से चालू हुआ और आज समापन है। कल कुछ और जो कहीं छूटे होंगे तो कल सवेरे तक। ये 38वां वर्ष है। 1986 में पहली बार एक मंदिर से प्रारंभ हुआ था, आज 1100 से अधिक जगहों से ये निकल रहा है। कुमारी, चरौदा, विलयतीन, जामुल और धनोरा, कुटकी, उधर आपके चनखुरी, ऐसे 7 गांव और लगभग 213 वार्डों से में ये इसका विस्तार है। तो उसके तहत ही मेरा यहाँ आना हुआ और अभी हम लगभग 40-45 मिनट से यहाँ पर भी विभिन्न जगहों पर इसी कार्यक्रम के तहत आए हैं और आप सब भी आइए उस दिन सादर आमंत्रित। जय जय श्री राम। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शामिल रहे लोगों ने खुले हृदय से अन्न का दान किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।